बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम्स का जो फाइनल कमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी में मशगूल होंगे यकीनन। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको मालूम है कि हम बीए थर्ड ईयर एजुकेशन पार्ट वन का जो बुक है रिटन बाय मकबूल अहमद साहब, इस किताब का चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में पाए जाने वाले मसाइल। और हम बहुत सारे मसलों पर डिटेल स्टडी कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान के निज़ामी इम्तिहान में पाए जाने वाले अहम नकायस क्या हैं। पेज 407 पे ये टॉपिक है जिसमें आज हम देखेंगे कि जो हमारा निज़ामी इम्तिहान है या एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स मौजूद हैं और उन प्रॉब्लम्स का तदारुक या सदबाब हम किस तरह से कर सकते हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द डिफेक्ट्स एग्जिस्टिंग इन द एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। इम्तिहान निज़ामी तालीम का अहम अंसर है। इसके बगैर ये मालूम नहीं किया जा सकता कि जिन मकासद के हुसूल के लिए अमले तदरीस जारी किया गया था कि वो किस हद तक हासिल हुए हैं। जो इम्तिहान का जो निज़ाम होता है वो इसलिए वजूद में लाया जाता है ताकि तालीमी जो तदरीसी अमल है उसमें जो हमने मकासद तय किए हैं या जिन मकासद को जहन में रख के तदरीसी अमल जो है वो वकू पज़ीर हो रहा है, तो जो निज़ाम इम्तिहान है वो ये तय करता है कि आया वो मकासद हासिल हुए हैं या नहीं हुए। यानी जिन मकासद के हुसूल के लिए हमने पूरे तदरीसी अमल को प्रोसेस किया है उस अमल के नतीजे में वो मकासद हासिल भी हुए हैं या नहीं हुए, ये तय करता है निज़ाम इम्तिहान। पाकिस्तान की निज़ामी तालीम में निज़ाम इम्तिहान कई मुश्किलात में घिरा हुआ है। ये मुश्किलात इसके लिए नकायस की सूरत इख्तियार कर गई हैं। इस निज़ाम इम्तिहान में पाए जाने वाले नुमाया नकायस दर्ज ज़ैल हैं। जी सबसे पहले पाकिस्तान का निज़ाम जायज़ा दाखिली और ख़ारजी तर्ज इम्तिहान का मजमूआ है। यही वजह है कि निज़ाम तालीम में दोनों तर्ज के इम्तिहान की खामियाँ मौजूद हैं जिनके बायस मेयार तालीम गिर रहा है। अच्छा जी, हमारा जो निज़ाम तालीम है उसमें इंटरनल एग्जामिनेशन और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन दोनों पाए जाते हैं, दाखिली और ख़ारजी इम्तिहान। दाखिली इम्तिहान से मुराद होता है वो इम्तिहान जो कि जो टीचर जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाता है वो टीचर खुद वो इम्तिहान लेता है और उसको चेक भी खुद करता है और उसकी मार्किंग भी वो टीचर खुद करता है। और जो खारजी इम्तिहान होता है वो जो है एक्सटर्नल होता है, यानी कि वो इस सेटिंग में दिया जाता है जिसमें जो टीचर बजाते खुद जिसने उन स्टूडेंट्स को पढ़ाया होता है वो उस इम्तिहान की सेटिंग में या उसकी चेकिंग में उस टीचर का कोई अमल दखल नहीं होता। जैसे कि आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो अगर आपकी क्लास में जो टीचर आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाती हैं वो आपसे मंथली टेस्ट लेती हैं और वही वो टेस्ट चेक करती हैं और आपको वो टेस्ट दिए जाते हैं। इसके अलावा आपसे दिसंबर टेस्ट लिए जाते हैं, दिसंबर टेस्ट का रिज़ल्ट आपके वही टीचर चेक करती हैं, ठीक है। तो ये जो आपके तालीमी इदारे के अंदर जितने भी इम्तिहानात जो हैं, टेस्ट वगैरह जितने भी होते हैं वो आपके दाखिली इम्तिहानात कंसिडर किए जाते हैं, और जो आपका एनुअल एग्ज़ाम होता है जो कि यूनिवर्सिटी या बोर्ड लेता है उसमें आपकी जो सब्जेक्ट की कॉलेज की या स्कूल की जो टीचर होती हैं उनका कोई अमल दखल नहीं होता। वो जस्ट आपको उस एग्ज़ाम की तैयारी करवा देती हैं, उस एग्ज़ाम की चेकिंग, उसके एग्ज़ाम की सेटिंग में उनका कोई रोल नहीं होता। वो इम्तिहान जो है वो प्योरली यूनिवर्सिटी या बोर्ड के सुपुर्द होता है, उस इम्तिहान को हम कहते हैं खारजी इम्तिहान या एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, ठीक है जी। हमारा निज़ाम इम्तिहान जायज़े के रिवायती तरीक़ों पर मुश्तमिल है। ये निज़ाम इम्तिहान सिर्फ तुलबा की मालूमात और अमली महारत का जायज़ा लेता है। इस एतबार से ये कहना बेजा ना होगा कि ये निज़ाम इम्तिहान फ़र्द की शख्सियत के तमाम पहलुओं की पैमाइश की सलाहियत नहीं रखता। जो हमारा निज़ाम इम्तिहान है उसकी एक प्रॉब्लम यह है कि बहुत ही रिवायती तरीक़ों पर मुश्तमिल है। पेपर आ जाता है और आपसे कुछ सवाल किए जाते हैं और आपने उन सवालों का जवाब देना होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये निज़ाम इम्तिहान आपकी जो मालूमात है या नॉलेज है उसको ही जज कर सकता है, इवेल्यूएट कर सकता है।
और अमली महारत यानी कि आपकी जो रिटन स्किल्स हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स हैं, उनको ये जज कर सकता है या आपकी मालूमात को जज कर सकता है कि किसी एक टॉपिक पर आपके पास कितना मवाद मौजूद है। वो इस चीज़ को तो ये हमारा निज़ाम इम्तिहान जज कर सकता है, लेकिन हमारी जो शख्सियत के मुख्तलिफ और पहलू होते हैं उसको ये निज़ाम इम्तिहान जज नहीं कर सकता। हमारी शख्सियत पे बहुत से और से स्किल्स ऐसे होते हैं या ऐसी खूबियाँ होती हैं जो अनफॉर्चुनेटली हमारा निज़ाम इम्तिहान जज नहीं कर सकता। इम्तिहानी मराकज़ में नाजायज़ ज़राए का इस्तेमाल, इम्तिहानी अमले की बदनमानी, गैर मौजू मराकज़ और मराकज़ में मतलूबा सहूलतों का फुकदान भी पाकिस्तानी निज़ाम इम्तिहान के अहम नकायस हैं। इन नकायस की मौजूदगी में इम्तिहानी मराकज़ में मिसाली सूरत हाल पैदा नहीं की जा सकती। अच्छा जी, कुछ और मसाइल हैं जो हमारे इम्तिहानी मराकज़ जो यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं उसमें नाजायज़ ज़राए का इस्तेमाल, बदनमानी यानी कि कोई चीटिंग हो रही हो या वहाँ पर जो मौजूद अमला हो वो चीटिंग करवाने में मुलविस हो, या इस तरह के जो केसेस होते हैं कई दफ़ा हमने सुना है पेपर आउट हो जाता है, तो ये भी इम्तिहानी अमले की बदनवानी में शुमार होता है। तो ये और जो हमारे सेंटर्स होते हैं एग्जामिनेशंस, कई दफ़ा वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ का फुकदान होता है, सहूलतों का फुकदान होता है, पानी नहीं है, पंखा नहीं है, बिजली नहीं है, तो ये चीज़ें भी जो हैं हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम को बुरी तरह मुतासर करती हैं और ये हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम के फ्लॉज में या नकायस में शुमार किए जाते हैं। पाकिस्तानी निज़ाम तालीम में इम्तिहान को निसाब पर फोकियत हासिल है, तालीमी अमल निसाब की बजाय इम्तिहान के गिर्द घूमता है। इम्तिहान का मकसद इस बात का जायज़ा लेना है कि तालिब इल्म ने निसाब को किस हद तक अपने किरदार का हिस्सा बनाया है। हमारे यहाँ सूरत हाल इसके बरक्स है, तुलबा का नस्ब उलैन हसूल इल्म नहीं बल्कि इनके नज़दीक इम्तिहान में आला कामयाबी तालीम का नस्ब उलैन है। तुलबा के इसी रुझान ने इमदादी कुतब, गेस्ट पेपरों, गाइडों और खुलासों की रिवायत जन्म दी है। जी अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारे यहाँ निसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है इम्तिहान को, यानी हम लोग अपनी शख्सियत में बेहतरी लाने के लिए तालीम हासिल नहीं करते हैं, लेकिन बल्कि हमारे स्टूडेंट का जो सारा फोकस होता है वो ये होता है कि उसने इम्तिहान में पास होना है। तो हम जो एक ट्रेंड सा बन गया है कि हम अपने बच्चों को या पढ़ाते भी इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हैं कि जी ये टॉपिक आपके इम्तिहान में आना है, ये टॉपिक आना है, मतलब इस तरह से इसी प्रैक्टिस की वजह से गाइड बुक्स और गेस्ट पेपर्स और इस तरह की सिलेक्टिव स्टडीज़, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है, क्योंकि मकसद इल्म हासिल करना नहीं है या निसाब को थॉरली पढ़ना नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या होता है कि आप उन्हीं इतने टॉपिक्स तैयार कर लें कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अपीयर हो सकें, तो बस फिर उतना ही पढ़ना होता है, मकसद बेसिकली एग्ज़ाम में या इम्तिहान में पास होना होता है। तो इस वजह से भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह मुतासर हुआ है। इम्तिहानात के इनकात और नतज में ताखीर, इम्तिहानी मराकज़ के मुआयने का नाकिस तरीक़ार, जवाबी कापियों की मार्किंग के गैर साइंसी तरीके, मार्किंग के लिए अहल अफरादी क़ुत की कमी और इम्तिहानी अमले की तैनाती के सिलसिले में दोस्त नवाजी भी हमारे निज़ाम इम्तिहान के अहम मसाइल हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ और नए मसाइल का जिक्र हुआ है। इम्तिहान के इनकाद यानी इम्तिहानों को कंडक्ट करना और उनके फिर नतज में ताखीर, ये भी एक है कि हमारा जी मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ 6 महीने पहले, रिज़ल्ट 6 महीने बाद आएगा, यानी इम्तिहान में कभी इनकाद में ताखीर भी हो जाती है और फिर उससे भी ज़्यादा ताखीर होती है रिज़ल्ट के आने में। फिर इम्तिहानी मराकज़ के मुआयने का नाकिस तरीक़ाकार, यानी कि जो इम्तिहानी सेंटर्स बनाए जाते हैं उनकी जांच पड़ताल के लिए, उनकी एग्जामिनेशन के लिए, उनकी चेकिंग के लिए कि वहाँ पर आया भरपूर सहूलतें मौजूद हैं कि नहीं, इस चेकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा कोताहियाँ हो जाती हैं। और जवाबी कॉपियों की मार्किंग के गैर साइंसी तरीके, यानी जो आपके आंसर शीट्स होती हैं उनको मार्क करने के गैर साइंसी तरीके भी अपनाए जाते हैं। बाज़ औक़ात मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर, कभी मैंने ऐसा खुद किया नहीं है, कि देखा जाता है कि जी जल्दी जल्दी पढ़ लिया, कितना लिखा हुआ है, लेंथ नाप ली और उसके ऊपर मार्क्स दे दिए, तो ये बहुत गलत तरीका होता है। जो कुछ स्टूडेंट लिखा है उसको मुकम्मल तौर पर पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ते हुए भी जब जो चेक करने वाला होता है, एग्जामिनर जो होता है, उसकी पसंद नापसंद भी शामिल होती है। अगर एक सवाल का जवाब जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यानी इस पर कोई भी जवाब दे सकते हैं, कोई स्टूडेंट अपनी राय दे सकता है,
अगर मैं उस राय से फॉर एग्जांपल मुत्तफिक नहीं हूँ तो हो सकता है मैं उसको कम मार्क्स दे दूँ, तो ये एक गलत बात है, क्योंकि वो राय जो है वो स्टूडेंट की है, उसने एक सवाल का जवाब दिया है, लेकिन अगर वो राय मेरी पसंद नापसंद से मैच नहीं करती है तो उसमें मैं फिर कहीं ना कहीं बायस्ड हो सकती हूँ, तो ये बहुत गलत है और गैर साइंसी तरीका है मार्किंग करने का। और फिर ये है कि मार्किंग के लिए अहल अफरादी कुव्वत की कमी होती है, यानी मार्किंग करने के लिए बाज़ औक़ात हमारे पास प्रॉपर टीचिंग स्टाफ भी मौजूद नहीं होता जो उस सब्जेक्ट को समझते हुए प्रॉपर मार्किंग कर सकें। और इम्तिहानी अमले की तैनाती में दोस्त नवाजी, ये भी बड़ी चीज़ें हैं, काउंट होती हैं कि अक्सर अपने पसंद के लोगों को उनके पसंद के इम्तिहानी सेंटर्स पे तैनात कर दिया जाता है, सिफारिशें करवा लेते हैं लोग कि हमें फलाने सेंटर में हमारी ड्यूटी लगवा दें, वहाँ पर किसी का कोई जानने वाला होता है तो फिर किसी को कोई फेवर्स मिल जाती है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे इम्तिहानी निज़ाम के मसाइल में शामिल हैं। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल की सतह पर तदरीस से मुंसलिक अफराद के लिए कोई ऐसा बाकायदा निज़ाम नहीं है जिसके ज़रिए उन्हें फ़न जायज़ा की तरबियत दी जा सके। ये एक हकीकत है कि ऐसा अहतमाम के बगैर असातज़ा में जायज़े के तरीकों के बारे में बसीरत पैदा नहीं की जा सकती। अच्छा जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल सतह पर कोई भी ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है जिसमें आप टीचर्स को एग्जामिनेशन के लिए ट्रेन करें। आपको पता है टेस्ट लेना या एग्ज़ाम लेना भी एक बाकायदा आर्ट होता है, एक स्टडी होती है, आपने कौन सा सवाल पूछना है, कितने मार्क्स का सवाल पूछना है, कैसे पूछना है, कितना टाइम देना है, पेपर सेटिंग किस तरह से करनी है, ये जो चीज़ें हैं ज़्यादातर हम लोग वैसे ही करते हैं बगैर किसी ट्रेनिंग के। हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स को बकायदा ट्रेन नहीं किया जाता कि वो बेहतर से बेहतर इम्तिहान कैसे ले सकते हैं, लिहाजा उनके टीचर्स जो ज़्यादातर टीचर्स होते हैं उनको इम्तिहानी तरीकों का ज़्यादा फहम नहीं होता, उनको ज़्यादा पता नहीं होता कि हमने टेस्ट कैसे लेना है या टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन जो है वो करना है। ठीक है, अभी अक्सर मैं आपको एक फॉर एग्जांपल एक बात बताती हूँ, अक्सर क्या होता है कि हमारी एजुकेशन की ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, आपको भी पता ही होगा आपकी क्लास में 150 200 प्लस एक एक सेक्शन में होती है स्ट्रेंथ। तो जब पेपर टेस्ट लेने की होती है, जैसे हम लोग वीकली टेस्ट लेते हैं या मंथली टेस्ट लेते हैं कई दफ़ा, तो मैं हमेशा टेस्ट जो है वो रिटर्न नहीं लेती हूँ हमेशा। उसकी वजह ये है कि एक तो बहुत ज़्यादा पेपर हो जाते हैं, उसको चेकिंग का इशू हो जाता है, प्लस आपको पता है कि हमारी क्लासेस कंजस्टेड होती हैं, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स साथ साथ बैठे होते हैं तो चीटिंग का बहुत ज़्यादा उसमें चांस बढ़ जाता है। तो इस चांस को ख़त्म करने के लिए मैं इस तरह से कर लेती हूँ कि रोज़ाना जिस चैप्टर का भी टेस्ट लेना है, फ़र्ज़ करें शॉर्ट क्वेश्चंस का लेना है या कुछ भी, रोज़ाना 10 से 20 बच्चों को मैं, अगर बड़ी क्लास है तो ऑफ कोर्स, तो 10 से 20 बच्चों को मैं कह देती हूँ कि आपका जी कल ओरल टेस्ट होगा। ठीक है, अगर 20 मार्क्स का टेस्ट है या इसी तरह से 20 मार्क्स का वीकली टेस्ट ऐसे ही होते हैं, मंथली टेस्ट, तो फिर उन बच्चों से, हर बच्चे से 10 शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स उसकी अटेंडेंस के साथ ही उससे क्वेश्चन पूछते गए और लगाते गए, मार्क्स उसे पूछते गए, उसने जवाब दिया। इससे क्या होता है, एक तो टाइम आपका बच जाता है, आप उसी टाइम टेस्ट लेते हैं उसी टाइम आपकी मार्किंग हो जाती है। ठीक है, दूसरा ये है कि चीटिंग का इम्कान ख़त्म हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट आपके सामने खड़ा हुआ होता है और आप उसे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं और वो आपको जवाब दे रहा होता है। तो ये छोटी छोटी बेसिकली टेक्निक्स होती हैं कि आपने मौका महल के मुताबिक किस तरह से, क्या कितना टाइम है आपके पास, कितनी स्टूडेंट स्ट्रेंथ है उस टाइम में, और उस स्ट्रेंथ में आप बेस्ट पॉसिबल किस तरह से एक टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, तो इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए। हर टीचर के पास ये नॉलेज होना चाहिए कि टेस्ट जो है वो कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, प्लस जो पेपर हम बनाते हैं, जो पेपर सेट किया जाता है उसमें भी काफ़ी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, पेपर की हर क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, उसका कॉन्टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, उसका कंस्ट्रक्ट कैसा होना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन ऑर्डर में पहले होना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन ऑर्डर में बाद में होना चाहिए, किसके मार्क्स कितने होने चाहिए, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बाकायदा एक स्टडी है और एक ट्रेनिंग है।
तो ये स्कूल कॉलेजेस में ये ट्रेनिंग हमारे पास अनफॉर्चुनेटली मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हमारे बहुत से सारे असातिज़ा ऐसे हैं जो कि सही तरीका कार क्या है इम्तिहान लेने का इस का फहम वो नहीं रखते। मौजूदी आजमाइशों ने इम्तिहान को चंद सवालात तक महदूद कर दिया है, मारूजी आजमाइशों ने नकल के रुझान को फरोग दिया है। दाखिली इम्तिहान ने बददियानती के कल्चर को आम किया है, खारजी इम्तिहान ने तुलबा को गफलत का शिकार कर दिया है। इन तमाम मसाइल की मौजूदगी में हम कैसे तवक्को रख सकते हैं कि हम मिसाली निज़ाम इम्तिहान तश्कील दे लेंगे। अच्छा जी, मौजूदी आजमाइशें यानी सब्जेक्टिव पेपर जो होता है उसमें क्या होता है कि कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और आपने उनका जवाब देना होता है। जैसे हम हमारे यहाँ भी ऐसे ही चलता है, थर्ड ईयर में मैं आपको बताती हूँ ना, जैसे हम बुक पढ़ाती हूँ, मैं आपको कहती हूँ ना ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर में, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो आप बेसिकली उन्हीं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़्यादा अटैम्प्ट करते हैं। तो बेसिकली जो सब्जेक्टिव पेपर होता है वो आपको चंद सवालात तक ही महदूद कर देता है, और जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसका मसला ये है कि उसमें चीटिंग बहुत होती है, MCQs हैं, एक ने दूसरे से देख के कर लिया, दूसरे ने तीसरे से देख के कर लिया कि इसका जवाब ए है, बी है, सी है, तो इसमें चीटिंग का चांस बढ़ जाता है मौरूजी पेपर में। दाखिली इम्तिहान ने बददियानती के कल्चर को आम कर दिया। दाखिली इम्तिहान यानी कि अगर आपकी अपना टीचर जो आपको जानता है, जो आपको पढ़ाता है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस में फेवरेटिज्म चलती है, कुछ टीचर्स जो होते हैं कुछ स्टूडेंट्स की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो उन स्टूडेंट्स को मार्क्स भी अच्छे दे देते हैं, तो यहाँ पर दाखिली जो इम्तिहान है वो थोड़ा सा डिसऑनेस्टी की तरफ चला जा सकता है। फिर खारजी इम्तिहान में तुलबा गफलत का शिकार हो जाते हैं, यानी खारजी इम्तिहान ही होता है कि पेपर आना है, कब होना है, किसने लेना है, उसमें क्या क्वेश्चंस आएंगे, उसमें भी स्टूडेंट्स जो हैं वो इतना जो है वो माइंडफुल होके नहीं करते हैं तैयारी। इन तमाम मसाइल की मौजूदगी में हमें मतलब ये तमाम मसाइल को देखते हुए हमें एक ऐसा सिस्टम लाने की ज़रूरत है जो कि हर लिहाज से बेस्ट हो, और उसमें बेहतरी लाने के लिए क्या तजावीज़ हैं। अब हम ये देखते हैं कि निज़ाम इम्तिहान में बेहतरी के लिए तजावीज़ क्या हैं, वट आर द सजेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम। निज़ाम इम्तिहान दुनिया के हर निज़ाम की अहम ज़रूरत और अंसर है। क्या में पाकिस्तान से मौजूदा दौर तक तमाम कौमी तालीमी पॉलिसियों में निज़ाम इम्तिहान में बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश की गई, इन तजावीज़ के ठोस नतायज सामने आए, इसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि हमारा निज़ाम तालीम नकायज से पाक है। मेरे ख्याल में दर्ज ज़ेल तजावीज़ पर अमल दरामद से निज़ाम इम्तिहान बेहतर बनाया जा सकता है। मिसाल निज़ाम इम्तिहान कायम करने के लिए ज़रूरी है कि दाखिली और खारजी तर्ज इम्तिहान का फ़र्क ख़त्म करके मुल्क में तमाम तालीमी इदारों के तमाम तर्ज के इम्तिहानों के सौले अनासर पर मुश्तमिल यकसा तर्ज इम्तिहान राइज किया जाए। अच्छा जी, पहली सजेशन ये दी गई है कि इंटरनल और एक्सटर्नल एग्ज़ाम का जो फ़र्क है उसको ख़त्म करके तमाम तालीमी इदारों के जो तमाम तर्ज के इम्तिहान हैं उनको एक ही पैटर्न पर लिया जाए। अच्छा, इसमें ये सजेशन है इनकी, इसमें राय सबकी मुख्तलिफ हो सकती है, अगर आपको सही लगता है तो ठीक है। बहरहाल मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऐसा नहीं होना चाहिए, दाखिली इम्तिहान और खारजी इम्तिहान जो है, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, कि दाखिली इम्तिहान को रिटन टेस्ट और ये सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा दाखिली इम्तिहान में टीचर की जो स्टूडेंट की जो क्लास पार्टिसिपेशन है उसकी, जो क्लास में डिस्कशंस में और तमाम जो तदरीसी प्रोसेसेस होते हैं उसमें स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन के मार्क्स भी होने चाहिए, और वो मार्क्स जो है वो उसके टीचर के पास होने चाहिए, कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन टीचर के पास भी होनी चाहिए। इसके अलावा लेट्स सी इसमें और आगे क्या है। निज़ामी इम्तिहान में तुलबा की मालूमात के जायजे के साथ साथ उनकी किरदारी तब्दीलियों की परख के लिए गुंजाइश रखी जाए। जी ये बिल्कुल ये वही बात है जो मैंने अभी आपसे कही है कि एक तो मालूमात का जायज़ा लिया जाता है जो आपका रिटन टेस्ट होता है, जिसमें आपने जितना कुछ याद किया होता है, जो भी आपके पास कंटेंट होता है आप उसको लिख देते हैं, वो आपकी मालूमात होती है, उसका जायज़ा ले लिया जाता है। लेकिन कुछ तुलबा की किरदारी तब्दीलियाँ भी होती हैं, यानी आपके बिहेवियर में भी बड़े चेंजेस आते हैं, तो वो बिहेवियर चेंजेस को कैसे परखा जाए
उसके लिए भी गुंजाइश होनी चाहिए। उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने अभी आपसे पहले बात ये की है कि जो आपका टीचर आपको पढ़ाता है उसके हाथ में कुछ मार्क्स होने चाहिए जो आपकी क्लास पार्टिसिपेशन, आपकी क्लास बिहेवियर, इन तमाम चीज़ों को जज करके वो आपको मार्क्स दे। उसके हाथ में थोड़ी जजमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आपके बिहेवियर को, आपकी किरदारी तब्दीलियों को आपका उस्ताद या आपका टीचर जो है वो ऑब्जर्व कर सकता है, वो कोई और नहीं कर सकता। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। निज़ाम इम्तिहान में जायजे के जदीद तरीके मुतारिफ़ कराए जाएँ। इस मकसद के पेश नज़र इम्तिहान से मुतल्लिका पहलुओं की तरबियत के लिए एक बाकायदा इदारा बनाया जाए जहाँ साज़ा और इम्तिहानी मुंतज़मीन को फ़न इम्तिहान की तरबियत दी जाए। ठीक है जी, यानी इम्तिहान लेने के जो नए नए तरीके, जो नए नए टूल्स हैं, वो तमाम टूल्स जो हैं वो मुतारिफ़ कराए जाएँ और इसके लिए बाकायदा टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए कि वो जो आर्ट ऑफ एग्जामिनेशन है वो इसको समझ सकें कि एक पेपर, एक टेस्ट जो है वो, या एग्ज़ाम जो है वो बेहतर तरीके से कैसे लिया जा सकता है। इसके लिए तमाम टीचर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए। इम्तिहानी मराकज़ में नाजायज़ ज़राए के इस्तेमाल की हौसला शिकनी के लिए जामे हिकमत अमली तश्कील दी जाए। इस सिलसिले में ऐसे अलहदा बोर्ड कायम किए जाएँ जो इम्तिहान के निकात से नतज तक के तमाम मामला की निगरानी करें। ठीक है जी, ऐसा तरीक़ाकार वज़ा किया जाए जिससे तुलबा इम्तिहान में कामयाबी के बजाय शख्सियत और किरदार में तब्दीली को तालीम का हकीकी नस्बुलैन समझना शुरू कर दें। तुलबा के इस नुक्ता नज़र ही से तालीम के आला मकासद का हुसूल मुमकिन हो सकेगा। जी, हमें इम्तिहान का तरीक़ाकार ही कुछ ऐसा कर देना चाहिए कि जिसके नतीजे में तुलबा इम्तिहान में कामयाबी के बजाय अपनी शख्सियत के अंदर जो पॉजिटिव चेंजेस हैं उसको ही वो तालीम का हकीकी मकसद समझें। यानी हमारा तो एजुकेशन सिस्टम या जो निज़ाम इम्तिहान है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आपको डिवाइड कर देता है। आपकी फर्स्ट डिवीजन है, आपकी सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन। लेकिन बाज़ूकात आपने देखा होगा कि कई दफ़ा थर्ड डिवीजन वाले या सेकंड डिवीजन वाले स्टूडेंट्स भी जो होते हैं वो किरदारी लिहाज से अपनी क्वालिटीज़ की बेस पर फर्स्ट डिवीजन स्टूडेंट से भी बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। तो कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाए कि स्टूडेंट सिर्फ नंबर्स की दौड़ में ना लगें कि मेरे इतने नंबर हैं, मेरी ये डिवीजन है या मेरी ये पोजीशन है, इस दौड़ में वो ना लगें, बल्कि वो अपने किरदार के अंदर जो बिहेवियर में, शख्सियत में जो एक्चुअल पॉजिटिव चेंजेस हैं उसको ही वो तालीम का अहम मकसद समझें और वो चेंजेस उनके अंदर एक्चुअली पैदा हों। सवालिया पर्चों में मारूजी और मौजूई आजमाइशों को एक खास तनासब से शामिल किया जाए। यह आजमाइशें मेयारी होनी चाहिए और उन्हें माहरीन से तैयार कराया जाए। पर्चों पर मार्किंग का तरीक़ाकार साइंसी होना चाहिए और इसमें एग्जामिनर की ज़ाती पसंद नापसंद का दखल नहीं होना चाहिए। यानी जो पेपर होते हैं उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन शामिल होने चाहिए और उसका एक खास तनासुब होना चाहिए। यानी एक पेपर जो है वो मुकम्मल सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए और एक पेपर मुकम्मल ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। उसमें कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हों, कुछ क्वेश्चंस सब्जेक्टिव हों और उनको भी एक माहिर से तैयार करवाना चाहिए। और जो आंसर शीट की मार्किंग है उसमें एग्जामिनर की अपनी ज़ाती पसंद नापसंद जो है वो शामिल नहीं होनी चाहिए। मार्किंग का तरीका टोटल साइंसी अंदाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये थी कुछ तजावीज़ निज़ाम इम्तिहान को बेहतर बनाने के लिए। अगर आपके पास भी कोई तजावीज़ हैं या आपको लगता है कि कोई ऐसा मसला जो हमारे निज़ाम में इम्तिहान में पाया जाता है और यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया, तो आप वो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो आज का तो हमारा ये टॉपिक था, बाकी कल इंशाल्लाह हम रोज़गार से रिलेटेड जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये हम पढ़ेंगे। अब बल्कि हमारा दो टॉपिक्स ही रह गए हैं, उसके बाद हमारा ये सारा सिलेबस जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। कल हमने पढ़ना है रोज़गार से क्या मुराद है और पाकिस्तान में बेरोज़गारी की वजूहात और बेरोज़गारी के मसले पर काबू पाने के लिए क्या तजावीज़ हैं। ठीक है, और उसके बाद तरबियत असातज़ा से मुतल्लिक टॉपिक है। तो ये दो टॉपिक्स हैं जो हमने इंशाल्लाह कल के लेक्चर में, एक टॉपिक होगा तो एक कर लेंगे, अदरवाइज ये दोनों ही आई विल ट्राई कि कल ये दोनों ही टॉपिक कवर कर लिए जाए। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में चूंकि हमने निज़ाम इम्तिहान में पाए जाने वाले नकायस का जिक्र किया है, तो इम्तिहान से रिलेटेड ही आजकल एक बड़ा ही हॉट टॉपिक है और आप लोगों की कंसर्न है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स का अनाउंसमेंट हो गई है, सेप्टेम्बर में है
और ये भी कहा गया है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत परेशान हैं, बिकॉज़ कभी हम लोगों ने ऑनलाइन इस तरह से एग्ज़ाम नहीं दिया, और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना कंसर्न शो कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि मैम हम बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि हम कैसे तैयारी करें, हम सब्जेक्टिव वे में तैयारी करें या ऑब्जेक्टिव वे में तैयारी करें। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस की जो पेंडेमिक है, इसकी वजह से ही ये तमाम मसाइल हमारे सामने पैदा हुए हैं। स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, इम्तिहान आपके ताखीर का शिकार हो गए, और अब जो है यूनिवर्सिटी ने तय किया है कि आपका इम्तिहान जो है वो ऑनलाइन लिया जाए, ताकि आप लोगों को इम्तिहानी सेंटर में एक जगह पे जमा ना किया जाए, बीमारी के फैलने का खतरा है। तो इसी पेश नज़र तय किया गया कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाए, आप लोग अपने घरों में बैठ के अपना थर्ड ईयर का एग्ज़ाम दे दें। अच्छा जी, इस हवाले से इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक बीइंग टीचर्स हमें भी कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई इंटीमेशन नहीं दी गई कि आपका पेपर जो है वो किस पैटर्न पे बनाएंगे वो, या कैसा बनाएंगे, किस तरह से कंडक्ट करेंगे। हमसे कोई डिस्कशन या कोई इंटीमेशन हमें अभी तक मौसूल नहीं हुई है, लेकिन कुछ बातें हैं जो जनरल कॉमन सेंस की बातें हैं, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। आप लोग, पहली बात तो ये है कि आप लोग फ्रीक आउट हो रहे हैं इस बात पे कि सब्जेक्टिव पेपर होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। पहली बात तो ये है कि बीए का हमारा जो पेपर होता है, अगर आप पिछले 5 साल पेपर्स लें तो देखें उठा के, तो बीए का पेपर जो होता है वो टोटली सब्जेक्टिव होता है। आपने 5 questions अटेम्प्ट करने होते हैं, हर क्वेश्चन 20 marks का होता है, टोटल 100 marks का पेपर होता है, इट्स ऑल सब्जेक्टिव, ठीक है, जो आपका पैटर्न है, जो रेगुलर पैटर्न है। अब ऐसा है कि दिस इज समथिंग क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि ऑनलाइन आप इस तरह से सब्जेक्टिव पेपर आई डोंट थिंक के दे सकेंगे कि जिसमें आपने 3 घंटे के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने, तो हो सकता है वो आपसे कोई एमसीक्यूज पूछ लें, हो सकता है वो आपसे कोई शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ लें। अब प्रॉब्लम ये है कि आप लोग एमसीक्यूज के लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, क्योंकि आपके पेपर का वो पैटर्न है ही नहीं, आपके पेपर के पैटर्न में शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज नहीं। तो बच्चे, इसमें जो सबसे आसान सी एक बात है वो मैं आपसे ये कहूँगी कि जब आप सब्जेक्टिव की अच्छी तैयारी कर लेते हैं, यानी आप किसी भी पेपर को सब्जेक्टिव वे में, किसी भी टॉपिक को जब सब्जेक्टिव के लिए आप तैयार कर लेते हैं, तो फिर आप उसमें से आराम से एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर तो आप आराम से दे सकते हैं। हाँ, अगर आपने किसी टॉपिक की तैयारी सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से की है, फिर आप उसका सब्जेक्टिव नहीं दे सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के हवाले से या किसी भी टॉपिक के हवाले से मैंने कुछ डेट्स याद कर ली, ठीक है, या कुछ बातें याद कर ली, कुछ नॉलेज की फैक्ट्स याद कर लिए, तो वो हो सकता है उससे मेरा ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर तो हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव नहीं हो पाएगा। लेकिन जब मैं सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव वे में पूरी तरीके से किसी भी टॉपिक को कर लूंगी, तो उसमें से फिर वो मुझसे कुछ भी पूछ लें, मुझे सब कुछ आता होगा, ठीक है, ये कॉमन सेंस की बात है। अब आप देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपकी किताब पे आती हूँ, आप फर्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। अब आपसे ये चैलेंज, ये माहिरीन तालीम, ये जो है चैप्टर नंबर 4 है, इमाम गजाली है, ठीक है जी, इमाम गजाली के फलसफा तालीम की अहम बुनियादें क्या हैं। अब ये एक क्वेश्चन है, अब ये एक फुल लेंथ की क्वेश्चन है, हो सकता है इसमें अहम बुनियादों में या इनके मकासद तालीम में 10-12 मकासद तालीम दिए गए हों जिनको आपने डिटेल में बताना है। अब आपने अगर सब्जेक्टिव में ये सारा डिटेल में तैयार कर लिया है, तो ऑब्जेक्टिव में वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है यही पूछ लें कि इमाम गजाली के कोई से 2 मकासद तालीम बताएं या कोई से 4 मकासद तालीम बताएं। तो अगर आपने 12 मकासद तालीम सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए हुए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई से भी 2 उनमें से या कोई से भी उनमें से 4 बताने में एक एक लाइन में आपको मसला होना चाहिए, आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने सब्जेक्टिव वे में तो उसकी बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपने किसी भी टॉपिक को डिटेल में प्रिपेयर कर लिया, तो उसको प्रिपेयर करने के बाद आपको ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि अब मैं ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करूँ, सब्जेक्टिव की कैसे करूँ, ठीक है। अगर आपने वो टॉपिक अच्छी तरह प्रिपेयर कर लिए हैं, तो उसी में से फिर आपको, अगर आपसे एमसीक्यू भी पूछ लिया जाएगा या कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा, तो आई एम श्योर आप उसका जवाब देने के काबिल होंगे।
अब आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होगी, या आई एम श्योर यही सोचा जा रहा होगा कि उफ अल्लाह ये तो इतना सारा सिलेबस है, इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो क्या हम सारे टॉपिक्स याद करें? तो बच्चे बिल्कुल आपको जो जो टॉपिक्स मैंने अंडरलाइन कराए हैं या टिक कराए हुए हैं या जिनको मार्क किया हुआ है हमने, वो टॉपिक्स आपने सारे ही प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि वो सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। और अभी तो आपके पास टाइम भी बहुत था, 6 महीने का टाइम, मतलब लाइक वी यू हैव बीन ऑफ सिंस मार्च 2020, तो काफ़ी टाइम रहा है आपके पास, तो मेरे ख्याल से अब तक तो आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सक्यूज़ कि हम परेशान हो रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही है, आई डोंट थिंक ये जस्टिफाइड एक्सक्यूज़ है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा आप भी, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न्स, आप लोग भी परेशान हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल इसको इतना टेंशन में मत लेके जाएं, ईजी लें। आप अपने सब्जेक्टिव वे में अच्छी तैयारी करें, उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव की अच्छी तैयारी हो गई तो वही बात है, ऑब्जेक्टिव भी आप आराम से उसमें से अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आई एम नॉट श्योर कि पेपर किस पैटर्न पर आएगा, लेकिन आपने सब्जेक्टिव की तैयारी करके अपने आप को हर तरह से पेपर अटेम्प्ट करने के काबिल बनाना है। ठीक है जी, इसके साथ ही आज के लेक्चर का इख्तिताम करती हूँ। कोई बात समझ ना आई हो या कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह कल आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।